शुभम अग्रवाल, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेठानी की रसोई में। फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने जो अपना सपोर्ट मुझे दिया है, मेरी वीडियोज को सराहा है, उसको आगे भी ऐसे ही जारी रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को और मेरी रेसिपीज को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड, मोमोज, और वो भी वेज मोमोज विदाउट गार्लिक विदाउट ऑनियन, और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है 1 कप मैदा। इसमें मैं डालूंगी करीब 1/2 टीस्पून नमक, या आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और इसका एक डो बना लूंगी, वो भी ठंडे पानी की हेल्प से। ये मैंने ठंडा पानी ले लिया है और मैं इसका डो बना रही हूँ। डो हमारा तैयार हो गया है। इसे हम 2-3 मिनट तक इसी तरीके से अच्छे से गूंद लेंगे और उसके बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज में डाल दूंगी। तो मैं एक प्लास्टिक से इसे कवर करके और फ्रीज में डाल रही हूँ 15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए मैंने लिया है पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप अनियन डाल रहे हैं और गार्लिक डाल रहे हैं तो आप स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च ली है और थोड़ा सा पनीर ले लिया है क्रश करके। इसके अलावा मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और हरी मिर्च वाला पेस्ट और इसको सौते कर लूँगी। अगर आप लहसुन का यूज़ कर रहे हैं तो इस समय पर लहसुन भी भून लीजिएगा इसके साथ। इसके बाद मैं इसमें सारी सब्जियां मिला दूंगी। इन सब्जियों को कसने के बाद मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है ताकि इनका जो एक्सेस वाटर है वो ख़त्म हो जाए, और साथ ही साथ मैं इसमें धनिया भी मिला दूंगी। बहुत ज़्यादा इन सब्जियों को हमें नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनने से ये अपना पानी रिलीज कर देंगी। हल्का सा सौते करना है इन सब्जियों को। और इस समय पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च। नमक मैं इन सब्जियों में ठंडा होने के बाद डालूंगी ताकि ये कोई पानी ना रिलीज करें। सब्जियां हमारी हल्की सी सौते हो गई है, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और काली मिर्च इनमें अच्छे से मिल गई है। अब मैं यहाँ पे इसमें पनीर ऐड कर दूंगी और पनीर ऐड करने के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। आप पनीर को कस के भी डाल सकते हैं क्रम्बल करने की जगह। अगर आपको इनमें से कोई वेजिटेबल ना पसंद हो तो आप केवल पनीर के भी बना सकते हैं। सोया चंक्स पसंद हो तो आप सोया के भी बना सकते हैं मोमोज। चलिए, तो अब इसके बाद हम करते हैं अपनी इंस्टेंट चटनी की तैयारी, वो भी फटाफट बनने वाली बिना प्याज और लहसुन की। चटनी बनाने के लिए मैंने एक जार में 2 टमाटर काट लिए हैं, थोड़ा सा अदरक ले लिया है, और ये मैंने 5-6 कश्मीरी मिर्चें और इसमें 2 मिर्च तेज वाली भिगो के रख दी थी, जिन्हें मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और उसके बाद मुझे डालना है इसमें 1 चम्मच तिल का या तेल या ऑलिव ऑयल। अगर वो ना हो तो आप साधारण तेल भी, या मतलब रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून में इसमें डालूंगी विनेगर और करीब 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डालने वाली हूँ सोया सॉस। उसके बाद मैं डालूंगी अब सोया सॉस। 1/2 चम्मच इसमें करीब चीनी डालूंगी मैं। ये चीनी 1/2 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डाल के मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमारी इंस्टेंट चटनी मोमोज के साथ खाने के लिए तैयार है। इन केस आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो तो आप इस तरीके का कश्मीरी मिर्च का पाउडर लेके उसे भिगो के भी टमाटर के साथ पीस सकते हैं। चटनी हमारी पिस गई है। बाजार में भी इसी तरीके की चटनी मिलती है मोमोज के साथ। ये हमारी इंस्टेंट चटनी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा मोमोज का डो
तैयार हो गया होगा, उसे फ्रिज से निकालते हैं और शुरू करते हैं मोमोज की बाइंडिंग करना। ये फ्रिज में से मैंने डो निकाल लिया है। अब इसको खोल के मैं हल्का सा चिकना हाथ लगा के इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी। लोइयां हमें छोटी छोटी ही बनानी है। थोड़ी सी मैदा की मैंने लोइयां बना ली हैं, अब मैं इन्हें बेलती हूँ। बेलने के लिए मैं थोड़ी सी सूखी मैदा ले लूँगी और उसको डस्ट करके या उसमें कोट करके मैं इन्हें बेल लूँगी। इनको पतला बेलना है थोड़ा, स्पेशली किनारों से। इसी तरीके से बेलते हुए सारे मोमोज की मैं पूरी बना के रख दूंगी और उसके बाद इनमें फिलिंग भरूंगी। बिल्कुल पतली पूरी बेलनी है हमें इस तरीके की। सारी पूरियां मैंने मोमोज के लिए बेल ली हैं, अब हम इनमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग हमारी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, उसमें मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। मैं यहाँ एक छोटा टीस्पून डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके और अब मैं फिलिंग भर के सारे मोमोज तैयार करती हूँ। अब इस पूरी में फिलिंग डाल के हम मोमोज तैयार कर लेंगे। शेप आप अपने मनपसंद कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जिसे आप अच्छे से बना सकें वही शेप बनाइए। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और हम गोल मोदक की शेप में भी बना सकते हैं। दूसरी पूरी भी हमने ले ली है और इसमें भी हम फिलिंग डाल देते हैं। फिलिंग डालने के बाद इसे हम बनाते हैं मोदक शेप में। जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है वो इसी शेप में ज़्यादा मिलता है। इसमें भी हमें इसी तरीके से फटाफट प्लेटें लेते हुए चला जाना है और एक सिरे से लेके दूसरे तीसरे तक हम प्लेट्स ले लेंगे और उसके बाद इन्हें आपस में इस तरीके से करके एक मोदक की शेप दे देंगे। देखिए ये भी हमारा तैयार हो चुका है और बहुत सुंदर भी लग रहा है। इसी तरीके से सारे हम अपने भर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें स्टीम करने रखेंगे। अब हमें अपने मोमोज स्टीम करने के लिए रखने हैं। अगर आपके आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस तरीके की छलनी आमतौर पर हम सबके घर में होती है। आप एक भगोना ले लीजिए जिसपे इस तरीके की छलनी आपकी फिट हो जाए। उसमें आप पानी ले लीजिए करीब 1.5 गिलास और उसको स्टीमर बना के आप इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं और इसके ऊपर जो भी ढक्कन फिट हो आप वो रख के इसे स्टीम कर लें। तो मैंने यहाँ आज मैं इसी में बना रही हूँ, तो मैं इसको हल्का सा ग्रीस कर ले रही हूँ ताकि हमारे मोमोज इसके चिपके ना। और उसके बाद मैं इसे गर्म होने रख दूंगी ताकि भाप बनने लगे और उसके बाद मैं अपने मोमोज इसमें रख दूंगी करीब 10 मिनट के लिए। ये मैंने ग्रीस कर ली है अच्छे से और अब मैं ऑन कर रही हूँ इसे ताकि ये अच्छे से स्टीम बन जाए इस पर और फिर मैं अपने मोमोज सारे इसमें शिफ्ट कर दूंगी। स्टीम अब बनने लगी है, हम अपने सारे मोमोज इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक के इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि हमारे सारे मोमोज अच्छी तरीके से पक जाएं। अब हमें 10 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट बाद हम देखेंगे। करीब 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं और ढक्कन हटा के देखते हैं। मोमोज हमारे तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। मोमोज हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देखो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि अंदर की सब्जियां तक दिखाई दे रही हैं इसमें। और हमने ये विदाउट ओनियन और गार्लिक बनाए हैं। ये हमारी घर की पिसी हुई सॉस है, चटनी है बेसिकली। और ये हमने शेजवान सॉस दे रखी है, जिसको लहसुन या गार्लिक पसंद हो वो इसमें भी डिप करके खा सकता है।
ये आपकी अपनी पसंद है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।